आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ कर दिया माफ मैंने तुम्हें भाई। सर आइंदा मैं बहुत ख्याल रखूंगा सर। जा रे तू। फाये तो इतने गुस्से में थे, मुझे लगा था नौकरी से निकाल देंगे इसको। मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे चाचा ना मैं भी पागल हो गया, और तू भी ये लेस उठा के दे मुझे। लेस दे। हाँ ना, कह रहा था अपनी चीजों का नुकसान होगा और कुछ नहीं। अरे ये लगा सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है। कौन? मैं। सेल्फ और सेल्फ मैं। आ जाओ जी आ जाओ, मुबारक खुशामदीद, कैसे हैं आप? जी दसो सवारियां कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है भाई? वाह वाह, वो अंदर ओके जा रहे हो। आपने वक्त देखा है? 10 बजे के बाद आपको क्या कहा था मैंने? रूल है इस घर का कि ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। क्या हुआ? वो अभेंद्र जी दरअसल तबीयत खराब हो गई थी कि मैं अब बस हॉस्पिटल तक गया। तबीयत किसकी इजाजत से गए थे वैसे आप? वो निराली जी। जी मैंने भेजा था शौकी को, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो पास में मेडिकल स्टोर था कि दवाई ले आओ जाके। बहुत अच्छा किया, घर के मुलाजमीन हाउस होल्ड स्टाफ एसपी लग दी है तू। तबीयत खराब थी ना बेचारे की, और आपको इसलिए नहीं बताया कि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं कहीं। हाँ लेकिन काम तुम दोनों ने वो ही कर रहे हैं जिसे निराली जी डिस्टर्ब होती हैं। और मेरे लाडले सेठ साहब होया कि तुम हाँ कुटी का शिकल आके आए हो, कितने कितने? हाँ ना लगे मुझे यहाँ पे तो दर्द हो रहा। दर्द तो हुई होगी। तीसरा मैं लगा देती हूँ आपको, और ये जो मैडम आप है ना इसकी हिमायती, गुस्ताखी की है तुम दोनों ने, रूल्स तोड़े निराली हाउस के, सजा मिलेगी तुम दोनों को, बस बहुत हो गया है। आज रात आउट ऑफ द हाउस, तुम दोनों बाहर पोच में रहोगे। वाकई? मेरा मतलब है वाकई ऐसा करेंगे आप हम दोनों के साथ? अब निराली जी मतलब हम लोग इतना टाइम करेंगे क्या? करोगे क्या? ये तो बड़ा मसला है। कॉपी पकड़ के ना तुम दोनों ने लिखना है आई एम सॉरी, समझे हो? क्या लिखना है? आई एम सॉरी। और अगर कोई गलती की ना, क्योंकि गलती की गुंजाइश कोई नहीं, तो सिलेटा मार मार के ना तुम्हारा नहीं वो रेड कर देंगे। चलो लिखो यहाँ से, दबाओ जाओ। चलो चलो। थैंक यू सॉरी। सॉरी वो मेरी वजह से आपको भी निराली जी की कड़िक्की में फंसना पड़ा। आई मीन सजा का हिस्सा बनी ना अभी। अच्छा है ना इस कैद से तो बाहर निकली। आप घर से बाहर न्यू पोर्ट में अच्छा लग रहा है। क्यों?
देखो ना, ताजी हवा, खुला आसमान, चांद और उसके पास वो तारे। इतना हसीन लग रहा है सब कुछ, सुकून। वाकई चांद आज हसीन भी लग रहा है और करीब भी। तो बस ये रात ही जोया की लाइफ की असल किक है। तो बता, इस रात का इंतजार में पूरे हफ्ते करती हूँ। और इसका टाइटल क्या है? टाइटल या क्या है? जिंदगी, जोया की जिंदगी। जोया जी, आप जरा खुल के बताएंगी, आप जो भी कह रही हैं मैं मतलब समझ नहीं पा रहा। आज दिन क्या है? आज बुध, वेंसडे। यही जोया का सैटरडे है। इस रात जोया हंसती है, खेलती है, गाती है, मुस्कुराती है, जो चाहे वो करती है। और वहां इसको कोई नहीं रोकने वाला। ऐसा क्या करती हैं? जो दिल चाहता है करती हूँ, जो दिल चाहता है करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बस खुश रहती हूँ। ओके। चलो कहाँ? आज तुम्हें मैं एडवेंचर पे लेके चलती हूँ। मुझे अभी? अरे जोया जी, कपड़े तो बदल लेते हैं ना, ऐसे जाते हुए अच्छा नहीं लगे। डेट नाइट पे नहीं जा रहे, आओ ना, मजा आएगा। मिसेस जोया जी, ये अपनी सुपर कार में जो कारनामा आप करती हैं, ये कब से कर रही हैं? जिसे तुम कारनामा कह रहे हो उसे मैं स्केप कहती हूँ। स्केप? या ये भी सही है, पर इतनी रात को यूं अकेले निकलते हुए डर नहीं लगता? निराली जी ने इतना जिंदगी से डरा दिया है कि अब तो डर ही नहीं लगता। वो कहते हैं ना पंजाबी में, चाका लग चुका है। वैसे भी आई एम फुली इन कंट्रोल। मेरा कंट्रोल अच्छा है जब गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में होता है। एंड आई ऑलवेज कैरी माय सेफ्टी। हाँ, वन डे। तुम्हें कैसे पता? तुक्का मारा मैंने। शौकी, कभी कभी तुम्हारे तुक्के इतने एक्यूरेट लग जाते हैं कि मैं भी सोचती रह जाती हूँ तुम हो कौन। अरे क्योंकि हम दिलों के जर्नलिस्ट हैं जी, दिलों की हर खबर रखते हैं हम। अच्छा जी, तो मिस्टर जर्नलिस्ट, मैं बताऊँ मेरे दिल में क्या है? क्या है? मेरा दिल करता है कि कोई मेरा हाथ थामे और मुझे यहाँ से दूर कहीं हसीन वादियों में ले जाए, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हो, गहरी गहरी झीलें, हर तरफ खूबसूरती और सब अच्छा। सब अच्छा हो? सब अच्छा हो। चलो जोया, हाथ थाम लो मेरा और मैं वादा करता हूँ कभी वापस नहीं लेके आऊंगा। मुझे आगे छोड़ देंगे? मेरी टांग पे चोट है। नहीं चाचा, वो क्या है ना, हम किसी का वेट करते हैं। नहीं चाचा, हम किसी का वेट नहीं कर रहे। आप बैठिए, आप जहाँ कहेंगे हम आपको छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चाचा। आप, आपको मैं पैसे देता हूँ, आप कुछ और कर ले। अरे नहीं चाचा, बाहर निकलो, बाहर निकलो, उनको बिठाओ पीछे। आओ चाचा, बहुत शुक्रिया। बॉम्ब वॉम तो नहीं है ना चाचा पास में? नहीं नहीं बेटा, बिलीव मी, मेरे पास बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन जिस पैशन और ईमानदारी से आप काम करती हैं वो बहुत कम लोगों में होता है। इतनी तारीफ तो कभी तुमने मेरी भी नहीं की। तुम मर्दों को भी ना, हमेशा पराई औरतों की खसूसियात नजर आती हैं। चेक लेके बैंक मैनेजर के पास भी गया था, काफी मेहनत की उसकी, लेकिन मदद नहीं की उसने। आपने अपने दोस्तों पे इतना पैसा लुटाया, मुझे यकीन है कोई ना कोई दोस्त आपकी मदद जरूर कर देगा। इस दुनिया में जो सबसे पहले लोग भूलते हैं ना, वो एक दूसरे पे किए हुए एहसान आप होते हैं। हाय मैं मर गई, शौकी कितने गया है? इधर तो कोई भी नहीं है।
कहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अलीना शौकी बातें नहीं 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 चेक करनी है, चेक करनी है। की हो रही है मॉम इश्क बशु की आप यहाँ क्या कर रही हैं? What do you mean क्या कर रही हूँ? देखने आई हूँ you sleeping or not? क्यों नहीं तू सो रही? आपकी तरफ खैरियत तो है ना? सुबह आप शौकी पर इतना चीख रही थी और आप मेरी जासूसी कर रही हैं आप? तू बड़ी उसकी तरफदारी कर रही है हैं? क्या चक्कर चल रहा है भाई? दस मिनट सुबह तुमने ना ऑन पर्पस मुझे जिच करने की पूरे प्लानिंग के साथ कोशिश की है। क्या सोशल मीडिया तो जानती नहीं है मुझे? मैं अपने प्यो को नहीं डरती हैं तो मैं सोशल मीडिया से डर जाऊंगी? ओ हाय मॉम मैंने आपके भले के लिए तू करेगी मेरे भले के लिए बात? निराली काफी अपने भले का सोच लेगा तो तुम्हारे भले का भी सोच लेगी। और देख रही हूँ मैं आजकल सांस के झूम झूम के तुम गाने गा रही हो ना भाई? क्यों हो रहा है ये सब? मेरे हंसने पे कोई पाबंदी है? आप क्या चाहती हैं कि मैं डिप्रेशन से मर जाऊं? हाय कैसी बातें कर रही है, खाक तेरे मुंह में। वास्ता क्या कर, मेरे तेरे दुश्मन और मेरे तो सारे मर जाएं। ठीक है मॉम आप जाएं, मुझे ना सोना है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं तुझे सुला के जाऊंगी। क्या? हाँ चल चल मैं तुझे डोरी सुनाती हूँ। बड़े ऐसे से मैंने अपने बच्चे को डोरी नहीं सुनाई। चल चल नहीं नहीं मैं 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 आई मैं प्रॉमिस कसम मैं सोने लगी। सो गई देखिए मैं लोरी सुनाती हूँ ना, तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं 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 मॉम मैं सो गई। हाँ हाँ तू सो जा, मैं यहीं खड़ी। लीजिए बाबा जी पहुंच गए। जजाक। आ जाओ बाबा जी, बीच में से निकल के आ जाओ। जजाक अल्लाह बेटा, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। सेहतमंद जिंदगी अता करे और बेहतरीन जीवन साथी दे। बेटा ये मेरी तरफ से रख लो, तुम्हारे हाथ में बहुत खूबसूरत लगे। अरे नहीं नहीं बाबा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया बस। बेटा ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख रख लो। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। क्या यार सुहास, पता ये कोई ना दहशतगर्द भी हो सकता था, क्रिमिनल भी हो सकता था। बैठे गाड़ी में बैठे, पता है ये वो दहशतगर्द भी हो सकता था जो इस बिल्डिंग में बॉम्ब लगाने के लिए आया और आप लेके आए उसको। आप सोया जी आप हंस रही है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ऐसे ना किसी पे एतबार नहीं कर सकते। क्यों? अरे क्योंकि जी क्योंकि जमाना नहीं है ऐसे किसी भी अनजान इंसान पे आप ऐसे एतबार। यही तो मसला है कि हमारे दिलों में इतने खौफ पैदा हो चुके हैं कि हम किसी पे एतबार ही नहीं करते। पर नहीं, मैं ये मदद करती रहती हूँ लोगों की, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, कॉल सेंटर से लेट वापस आ रहा हो, या फिर कोई बुजुर्ग आदमी हो अपने कंगन बचाने के लिए पैदल चल पड़े हो रास्ते में। तो इस अनजान मैदान में इन मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना मुझे अच्छा लगता है। क्या पता लॉजिक, क्या पता अल्लाह ताला मुझे भी मेरी मंजिल तक ऐसे ही पहुंचा दे। और ये सब मैं किसी मफाद के लिए नहीं करती, दुआ की खातिर करती हूँ, जो वो बाबा जी मुझे दुआ दे कर गए हैं। तो सुहैल जी एक बात पूछो। हाँ पूछो।
आपके बहुत से ख्वाब हैं ना, और ये भी जानता हूं कि आप उन्हें पूरा करना चाहती हैं, पर कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आए कि ख्वाब और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसे चुनेंगे आप? बड़ा कोई सैड सा इसका आंसर होगा, पर है। देखो शौकी, रिश्ता तो मेरे पास कोई अपना है नहीं, और चुनने की बात आए तो इंसान उसी को चुनते है जिसकी उसको जरूरत हो, और जोया को किसी की जरूरत नहीं। तो अपना फोकस सीधा है। तो चलिए रास्ता ही चुनते। वैसे आज की रात तो ना याद रहेगी हमेशा। मुझे भी। इतने दिनों से तीफ तीफ का शोर मचा के रखा है, ये तो मालूम ही नहीं था कि तीफ तो हाउस में ही मौजूद है। मैं आखिया सी ना छोटी दाल छुटकाला है। मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब शौकी के क्वार्टर में एंटर होते पता चला था कि वो बैलिश तो है ही नहीं वहां पे। नहीं वो तो मैं हुण पूछो, ये जोया मैडम जो है अपनी खटारा गाड़ी में किधर शुगर मेले करती रही है, हमारे साथ गेम प्ले करती रही है ये। हाँ पूछो पूछो। को तू चुप कर जा, निराली अभी अलाइव है, जिंदा है। गेम ओवर करना आता है, लफड़ा चाबी चाबी दे, निराली जी दे, निराली जी। हेलो जी, बिक जानी चाहिए मेरे स्वभाव से पहले, गाड़ी बिक जानी चाहिए, मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, समझे आप? बेच दे और बेच दो। बेच देगा, सवेरे बेच देगा, मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। नहीं जी नहीं, मेरी जान हो जूगा भाई, हो जूगा, बेच दूंगा भाई, बेच दूंगा, बेच दूंगा भाई, बेच दूंगा, हो जूगा भाई, हो जूगा। गुड मॉर्निंग जोया जी। ओह, आप तो नाश्ते के लिए नहीं आई नहीं, तो मैंने सोचा मैं आपको रूम सर्विस देता हूँ, और आप रूम में नहीं है तो इसलिए लाउंज सर्विस। मुझे नहीं वो जॉब। और एक बार आंखें खोल के देखिए तो सही, आपके पसंदीदा है फ्रेंच टोस्ट, अच्छे लगेंगे आपको। कह रही हो ना शौकी, नहीं भूख नहीं खाना, जाओ यहाँ से। रो रही थी आप, आंखें बता रहे हैं कि पूरी रात रोकर गुजारी है आपने। और तू साले कुत्ते कमीने चकोरने वाले, पूरी रात हमारी मासूम बच्ची के आंसू चूस चूस के भी तुझे सुकून नहीं मिला, जो तू अभी तक सूखा नहीं। बहुत माना जोया जी, पूरी रात रोता रहेगा। सीरियस में एक बात बोले, आपको नहीं लगता बहुत हो गया? अब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। मतलब कभी आपकी माँ के कंगन और अभी आपके बाबा की गाड़ी, कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेंगी आप?
जी, इंसान डरता रहे ना तो दुनिया डराती रहती है। अब आपको डरना छोड़कर खुद के लिए खड़े होना चाहिए।